ये जो समाज में एक चीज चलती है कि जैसे आदमी बचपन बच्चा बड़ा होता है, उसके बाद वह गृहस्थ आश्रम में पहुंचता है, गृहस्थ जीवन में, फिर उसके पास समस्या आना शुरू होती है छोटी छोटी चीजों की और इन सब चीजों की, तो उससे वो व्याकुल होता है। व्याकुल होता है तो वो ज्योतिषियों के पास कुंडली दिखाता है कि देखो कोई ग्रह नक्षत्र तो नहीं गड़बड़ हो रहा। तो क्या ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसी व्यवस्था है कि जैसे बच्चा पैदा होने के पहले ही अच्छे ग्रह नक्षत्रों में अगर बच्चे को पैदा करवा दिया जाए कि उसके पास जीवन में दुख ही कम हो, मतलब है नहीं, वैदिक तो ऐसा काल कुछ में, है व्यवस्था क्या? वैदिक काल में बहुत सारे ऋषियों ने इस विषय पर शोध किए, अच्छा सैकड़ों साल तक शोध किए, फिर उसके जो परिणाम मिले उसके आधार पर उन्होंने कुछ नियम बनाए। क्या? उसमें 16 संस्कारों की व्यवस्था है, अच्छा गर्भाधान, पुंसुमन, उपनयन है ना, आखिर में मृत्यु तक के संस्कार की 16 संस्कार की व्यवस्था बनाई। उसमें पहले ये हुआ कि ये संस्कार कैसे लागू होंगे, तो ये हुआ कि ज्योतिष के आधार पे है नहीं, पहले माता पिता दोनों की जन्म पत्रियां देख करके ये गणना की जाए कि कौन सा ग्रह नक्षत्र 9 महीने के बाद, अच्छा गर्भाधान के 9 महीने के बाद ठीक मिलेगा। ठीक है, गर्भाधान क्या चीज ये थोड़ा तो बताइए, गर्भाधान क्या होता है? गर्भाधान है कि जब पति पत्नी आपस में सहवास करते हैं, सेक्स करें, सेक्स करते, अच्छा उसको इसमें इस भाषा में हिंदी की गर्भाधान कहते हैं। हाँ, तो ये वहां पे ये निश्चित किया कि इस मुहूर्त में यदि ये किया जाए गर्भाधान, तो 9 महीने, पहले 10 महीने बच्चे पैदा होते थे वैदिक काल में। अच्छा हाँ, 10, 11, 12, 1 साल तक होता। 1 साल तक, हाँ, तो वो टाइम उस काल का जो भी रहा हो, दस हाँ महीने 11 महीने 12 महीने, हम्म, तो वो निश्चित करते थे कि उस समय, आज जो ग्रह स्थिति है उस समय जो ग्रह स्थिति होगी, तो उस समय जो ग्रह स्थिति होगी वो बलवान होनी चाहिए बलवान ताकि बच्चा स्वस्थ स्वस्थ पैदा। पैदा, अच्छा, उससे पहले माता पिता का वैदिक चिकित्सीय परीक्षण होता था, क्या उसमें क्या होता? विवाह से पहले होता था चिकित्सीय परीक्षण की कोई कमजोरी तो नहीं है एक दूसरे में, अच्छा और विवाह के बाद जब ये प्रक्रिया शुरू होती थी बच्चे की, तब उनका परीक्षण होता था कि बच्चे माता या पिता में कोई किसी कोई रोग तो नहीं है नहीं? तो जब वो ठीक होते थे तब उनको आज्ञा मिलती थी कि ऐसा अच्छा ये करो, फिर वो जो बच्चा 9 महीने बाद, सीधी सी बात है कि स्वस्थ होगा, बलवान होगा, फिर वहां से उसके 16 संस्कार शुरू होते थे। इस तरह से है, प्राचीन काल में वैदिक है, साइंटिफिक है पूरा। तो मतलब उसकी पूरी व्यवस्था जो है, हाँ, वो सैकड़ों साल उस पर रिसर्च हुई, हमने उनकी कालिदास जी की किताब पढ़ी है, उसमें 16 संस्कारों की व्यवस्था है पूरी अच्छा कि कब किस समय पे कौन सी चीज करनी चाहिए, क्योंकि कालिदास जी कवि तो थे ही, इसके साथ ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे कालिदास जी। हाँ, और संस्कारों वो उत्तर कालामृत इन्हीं की लिखी हुई हाँ है। उत्तर कालामृत, पूर्व कालामृत, उत्तर कालामृत, दो किताबें इनकी हैं, और तो उत्तर कालामृत में ये सारी 16 संस्कारों की व्यवस्था है पूरी, इस तरह से करना चाहिए। और वैदिक काल में होता था, आम आदमी नहीं कर पाता था, लेकिन राजे महाराजे, हाँ ये तो हमने कितने राजा कहानियों पढ़ा है कि राजा अपनी बच्चों की जो वो होती थी हाँ बर्थ, उसको ज्योतिषी सलाह के हाँ आधार पे जो है, हाँ तब वो बच्चे पैदा करते थे। अच्छा हाँ, तो बड़े लोगों में पहले ये हाँ चीज होती थी, वो चीज होती थी। अब लोग क्या करते हैं, अब एक लोगों ने नया विकल्प ढूंढा है क्या कि अच्छे ग्रह नक्षत्रों में बच्चे को सिजेरियन पैदा करा लिया जाए, सिजेरियन कर लेते हैं। हाँ? हाँ लेकिन वो नहीं होगा, हाँ क्योंकि वहां पे प्राइमरी स्टेज पे ही गलती हो गई। हाँ अगर प्राइमरी स्टेज पे गलती हो गई तो बाद में तुम पैदा कराने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। हाँ वो अब चूंकि वो फिर ग्रह नक्षत्र पता नहीं वहां कमजोर है कैसे, हाँ नहीं तो सिजेरियन का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। और जब ये प्राइमरी प्रक्रिया होती है गर्भाधान की, तो आत्मा का आवाहन होता है, एक्चुअल में आत्मा का आवाहन है ये प्रक्रिया, तो अगर उस समय पे ग्रह स्थिति खराब है तो आप आवाहन करेंगे आत्मा का ब्रह्मांड से, तो
तो वैसी आत्मा घर में आ जाएगी। अच्छा हाँ, तो मतलब ये जो ये कहानी नहीं है? नहीं नहीं, ये पूरा ज्योतिष और अध्यात्म पूरा वैदिक साइंस है, ये मिल करके तब एक तो ये जीव तैयार। इसका मतलब है कि ये सब चीजें कोई कहानी नहीं है, नहीं। कि आत्मा जैसी कोई चीज होती है? नहीं, ऐसा कैसे मान ले? आत्मा इंतजार करती है, गर्भ का चुनाव करती है। हाँ, ऐसा कैसे हम मान ले भाई? अगर आत्मा नहीं होती है तो ये शरीर में मृत्यु क्या है? विज्ञान बताए कि मृत्यु क्या चीज है? नहीं, जन्म तो बता दिया कि गर्भ से माता के पैदा हो गया, माता पिता का संयोग हुआ, बच्चा गर्भ में आ गया, पैदा हो गया, इतना तो विज्ञान बता देगा। गर्भ के 9 महीने की पोजीशन बता देगा, ठीक है ना, पढ़ने की क्या हो रहा है एक्टिविटी। लेकिन मृत्यु क्या चीज है? बॉडी बॉडी पूरी वैसे है, इसको वेंटिलेटर पर लगा देते हैं, ऑक्सीजन चल रही, ब्लड सप्लाई हो रहा है, फिर क्या चीज है जो निकल जाती है? विज्ञान कहता है वो एनर्जी है। तो वैज्ञानिक भाषा में वो एनर्जी है, धर्म की भाषा में वो आत्मा है, बस इतना फर्क है, बाकी कुछ नहीं। तो धर्म के हिसाब से तो आत्मा होती, मेरे हिसाब से भी होती है। तो आत्मा गर्भ का चुनाव कैसे करेंगे? जब आप गलत समय पे गलत ग्रह नक्षत्रों में सहवास करेंगे पति पत्नी, तो फिर उस समय जो आमंत्रण देगा आत्मा का, तो वैसी ही आत्मा आ जाएगी गर्भ में। और सबसे बड़े आश्चर्य की बात है कि बच्चा जो माता का हुआ होता है, जब फर्टिलाइज होता है, 2 टुकड़ों में पहले बढ़ता है, फिर 2 से 4 इस तरह नंबर डिवीजन होता ना, तो उसमें जो पहला सेल बनता है वो हार्ट का बनता है। हार्ट का वो पहली बार जब धड़कता है ऐसे, है नहीं? पहली बार, इसका मतलब है अब इसमें आत्मा ने प्रवेश किया है। कहाँ पे? इसके हृदय में। अच्छा, क्योंकि आत्मा का निवास हृदय में है। वेदों में लिखा है कि इस हृदय रूपी गुफा में ज्योति पुंज के रूप में आत्मा का वास है, ठीक है। अब वहां जीव और ब्रह्म दोनों का वास है हृदय में, दोनों एक दूसरे को जानते नहीं है, सनातन काल से नहीं जानते, जब से सृष्टि बनी। जानने की प्रक्रिया ज्ञान के द्वारा ही होती है कि जीव ब्रह्म को प्राप्त करता है अपने हृदय में, ठीक है ना। तो आत्मा पहली सेल जब धड़की, इसका मतलब है कि आत्मा ने इसके हृदय में प्रवेश किया, क्योंकि धड़कना चेतना के द्वारा ही संभव है, बाकी कोई प्रक्रिया नहीं है। तो चेतना ही उस सेल को भड़काती है, हार्ट के, तो वो भड़कता है, वो वहां से स्टार्ट हो जाता है जीवन चक्र, शरीर बढ़ता रहता है, 9 महीने के बाद बच्चा घर से बाहर आता है। तो वो प्रक्रिया है कि जो पहले प्राचीन काल में थी, आजकल तो प्राचीन काल की कोई बातें नहीं मानता, वो भी नहीं, संभव भी नहीं है, आजकल गुरुकुल बन ही नहीं पाएंगे। कहीं अगर 2-4 गुरुकुल चल भी रहे हैं साउथ इंडिया वगैरह में या नॉर्थ इंडिया में, तो उसमें मेहनत तो करते हैं आजकल के सब संत महात्मा जो ऋषि मुनि हैं, लेकिन वातावरण भी तो चाहिए। अब पानी भी प्रदूषित है, खाना भी प्रदूषित है, पहले का सब स्वच्छ था, वातावरण, खान पान, पानी, तो वो चीज संभव नहीं। और सिजेरियन बच्चे को किसी अच्छे मुहूर्त में ग्रह नक्षत्रों में पैदा करा लेने से उस पर कोई असर नहीं, हमारे साथ कोई असर नहीं पड़ेगा। उसके लिए पहले से ही प्रक्रिया निर्धारित करनी पड़ेगी कि हाँ, इस समय पे गर्भाधान हो, है ना, और इससे 9 महीने के बाद भी पहले चेक किया जाए कि वहां पे ग्रह स्थिति क्या होगी, ये बच्चा पैदा होगा, इस तरह से है। हाँ, ऐसे ही संभव, बाकी और नहीं है।